Welcome to another video. So today's video is about a virtual picnic. हैरान हो रहे होंगे यकीनन मैं भी इसी तरह हैरान हुई थी जब इनकी स्कूल से मुझे मैसेज आया दैट दे आर गोइंग टू हैव अ वर्चुअल पिकनिक. पंजाबी के लिहाज से देखा जाए तो इट्स गुड बट स्टिल किड्स की जो लाइफ आई थिंक दैट इज द मोस्ट डिस्टर्ब. और अपनी तरफ से हमने ट्राई किया है कि हम इसकी पिकनिक को अच्छा सा बनाने की कोशिश करें. सो चलिए चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि हमने क्या कुछ प्रेपरेशन की है. समझ में नहीं आ रहा था कैसे डेकोरेट करें, सो हमने सोचा कि क्यों ना कलर पेपर पे हम इसके प्रिंट लेते हैं और उसके बाद कुछ बलून शलून लगा के ये वाला कॉर्नर इसके लिए डेकोरेट कर देंगे. हेलो हेल्पर. यू नो व्हाट, जब मैं छोटी होती थी ना तो अब्बू सारों को बताते थे कि सब ने नर्सरीज पढ़ी हैं, केजीज पढ़ी हैं. आयशा को तुमने डायरेक्ट कौन में दाखिल कराया था, इसका कोई साल वेस्ट नहीं हुआ. अब मैं सोचती हूँ काश उस टाइम मैंने पढ़ ली होती. अभी ना मैं पढ़ रही होती मायर के साथ. मुझे आइडिया नहीं था. सुबह तक आ जाएगा उसकी क्लास से पहले पहले इंशाल्लाह. मसला ये आगे और बहुत सारे हमने प्रिंट करने हैं. आ जाओ भाई सोते हैं सुबह तक. प्रिंट आने के तो कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे जल्दी जल्दी, सो मैंने सोचा मायर के कपड़े निकाल लिए जाएं. ब्लू कलर की उसकी थीम थी, सो मैंने ब्लू कलर में जितनी घर में चीज़ें अवेलेबल थी डेकोरेशन वाली वो सब निकाल ली और हमने बलून्स वगैरह फैलाने शुरू कर दिए. और ये मैं बलून फैला रही थी और जो जो चीज़ें मुझे अवेलेबल थी मैंने वो सब यूज़ कर ली. सो फाइनली बलून्स आर डन और मेरी भी बस हो गई है. देन आई थॉट के पहले पेट पूजा फिर काम दूजा. This gift for Maya. क्योंकि पिकनिक के बाद उनको एक गिफ्ट देना है और आई होप ही वुड लाइक इट. अब हम इसको रैप करेंगे एंड ये डेकोरेट करेंगे. सो हमने इससे खेल लिया जितना हमने खेलना था. अब हम पैक कर रहे हैं बच्चों के लिए. हम किसी गिफ्ट शॉप पे तो नहीं काम करते थे पहले. हेलो पूरा लगा दोगे इसके ऊपर क्या? सारा शीट इसके ऊपर लगा दोगे? गरीब औरत. हम बचा के रखो यार, हम और भी गिफ्ट पैक कर सकते हैं. नजर आ रहे हैं ना इसलिए मैं कह रहा हूँ. तो ये देखने लेने से पहले देखना था ना. मुझे नहीं लगता था इसमें से नजर आएगा, इसमें से नजर नहीं आ रहा ना. मायर को सिर्फ गिफ्ट खोलने की एक्साइटमेंट होती है तो वो कर लेगा. पिकनिक मायर की एक्साइटमेंट हमारी. वैसे क्या इन लोगों का बचपन होगा ना बेचारों का. एक हमारा होता था कि हम लोग जब पिकनिक पर जाना होता था पूरी रात नींद नहीं आती थी. सुबह सुबह उठ के स्कूल कॉलेज जाते थे और बस में बैठ के पिकनिक पर जाते थे फ्रेंड्स के साथ. और ये देखो जरा मिर्च सोफे पे पिकनिक तैयार है. नाइस. वैसे बाय द वे सूट करिए तुम पे ये. बदल देना है जंगल में. जंगल थीम की पिकनिक. पहला जंगल है जिसमें गुब्बारे लटक रहे हैं. And I love these bubble bottles. Hello. Bubbles की ना मेरे. इतने मज़े के कलर्स हैं इन सारी बॉटल्स के. सी एक येलो है, एक ग्रीन है और वो वाली क्या है, ब्लू है. छोटी छोटी सी साथ में इनके साथ ब्लोअर बहुत अच्छा है कि बच्चे बहुत इजीली इसको ब्लो कर सकते हैं. सी सो हमारी तीसरी बॉटल भी लटक गई. टेप तो ले आते हैं जब पता होता है इस तरह काम हो रहे हैं. अब मैं जाऊंगी ना तो मैं अच्छी वाली शॉपिंग करके आऊंगी, डोंट वरी. नहीं
कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं मैनेज कर रही है ऐसे ही। वो देखो मैंने कुछ किया ना, फिर तुमने कहना है फेमिनिज्म फेमिनिज्म। तुम हाथ उठाओगे तुम, और छोटा टाइम चेक करें। और हमें इस टाइम ना नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं। हमें एक और आइडिया आया है, वो जो पिकनिक वाले पेपर्स के ये बचे हैं, बचे कुछ बाकियात हैं, उसको काट के हम पार्टी पॉपर्स बेचा करेंगे। पार्टी पॉपर्स बनाने लगे हम। 7 साल बाद आज दिल खोल के कचरा फैलाने का मौका मिला है मुझे। बड़ा निकालो दिल की आज। ये कल जब तुम ऑफिस से वापस आओगे ना, तुमसे मैं सारी सफाई कराऊंगी। निकाल लो जितनी बड़ास निकालनी है तुमने। ओके सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन इन द शॉर्ट नोटिस। और ये हमने तैयार कर लिया हमारे के लिए एक आर्टिफिशियल पिकनिक, और हमने एक जंगल का माहौल दे दिया। Next morning. Come, 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 Meyer, come, 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 come. No, no, no. Open your eyes. Meyer, actor. ये पहले मेरे सो के उठने से पहले ये देख चुका था सारा। मैंने कहा माया हाउ यू विल प्रिटेंड एंड Meyer की एक्टिंग चेक करो जरा। Somewhere out. Somewhere Go find it. Wait, no, give me a clue. Somewhere? Your gift. No, no, give clue. Some give something. Find it. It might be, it might. And where is Rahim? ओके तो ये थी आज की पिकनिक। और वन थिंग दैट वी रियली मेक श्योर कि बच्चे जो जो गन फैलाते हैं वो खुद से समेटें, और उनके सामने हम भी जो काम करते हैं हम उसको फ़ौरन से समेट देते हैं, ताकि उनके अंदर भी आदत पड़े कि उन्होंने सब कुछ क्लीन रखना है और अपना काम खुद से करना है। सो यस दैट्स द थिंग। आई थिंक आप बचपन से अगर उन्हें सिखाना शुरू करोगे तो बड़े होकर उनको ये आदत पड़ जाएगी और वो खुद से ही अपना काम करेंगे और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे। सो दिस वॉज टूडेज वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। हमने तो काफ़ी इन्जॉय कर लिया अपने वर्चुअल पिकनिक में। आई होप कि आप लोगों ने भी इन्जॉय किया होगा। और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।